पहला देखिए क्या दिया हुआ है। दिया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात की। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज का कह रहा है कि उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो आधार देखिए ये है, ये ऊंचाई है, तो आधार निकाल लिया x, तो ऊंचाई क्या होगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7। अब कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने मान लिया, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, ऊंचाई x माइनस 7 और कर्ण क्या दिया है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। तो कर्ण या आधार क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर, लंब हमारा क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार है x, तो x का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर बोलते हैं तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, a माइनस b का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। तो उससे हम इसको तोड़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तो 49 माइनस दोनों के गुणा का गुणा तो 7 × 14x प्लस इसका x स्क्वायर तो 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस का 49। अब 169 है इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसको हम घटा दें तो माइनस का 120 बराबर 0। दो से हम पूरे में डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाकर 7 आ जाए तो 12 में 5 घटाएंगे तो 7, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 12 प्लस 5 का मान तो x माइनस 12 बराबर 0। पूरे से x माइनस 12 बचा गया x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए प्लस की संख्या होती है हमारी, प्लस का अगर हम लेते हैं तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो इसलिए माइनस आ जाएगा। तो यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर होगा 12। अब देखिए x का मान निकल आया तो हमने जो जो माना था वो निकाल लेते हैं। अतः आधार हमने क्या माना x, तो आधार आ गया 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारी क्या है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी समकोण त्रिभुज की आधार और ऊंचाइयां हमें प्राप्त हो गई। तो अगला सवाल देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। राधे राधे।